टीकमगढ़ जिले के हजूरी नगर में चपरासी के भरोसे किया जा रहा स्कूल का संचालन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के हजूरी नगर में स्थित शासकीय स्कूल को लगी नजर। चपरासी के भरोसे संचालित है विद्यालय, शिक्षा विभाग जान के भी बना अनजान। जी हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के हजूरी नगर शासकीय स्कूल की, जहां विद्यालय के शिक्षक अपनी मनमर्जी पर उतारू है और यह विद्यालय अब चपरासियों के भरोसे चल रहा है। यहां विद्यालय में पदस्थ शिक्षक 11 बजे के बाद स्कूल में पहुंचते हैं और उसके पहले इसका संचालन विद्यालय के चपरासी करते हैं। यही वजह है कि सागर संभाग के टीकमगढ़ जिले का शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यहां शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है, यह हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर अध्ययनरत स्कूली छात्रों का खुद यह कहना है। मानना है कि यहाँ स्कूल में पदस्थ शिक्षक 11 बजे के बाद स्कूल में आते हैं, जब तक इस विद्यालय का संचालन स्कूल में पदस्थ चपरासी करते हैं। जब जिला मुख्यालय से मैं 6 किलोमीटर दूरी पर संचालित विद्यालय की यह स्थिति है, तो अन्य विद्यालयों की स्थिति क्या होगी, यह बात सोचने पर मजबूर जरूर करती है। हालांकि जब इस संबंध में बीआरसी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से पता चला कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो तत्काल नोटिस दिया जाएगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। कौन सा स्कूल है जी आपका? हजूरी नगर, ग्रामीण हजूरी नगर। आप लोग की मैडम नहीं है पढ़ाने के लिए? नहीं सर। रोज ऐसे ही आती हैं? सर 11 बजे रोज 11 बजे आती हैं सर, कभी कभी पहले आ जाते हैं। अच्छा पहले आ जाते हैं। शाम को जाती कितने बजे स्कूल है आपके? सर 4 बजे। 4 बजे चली जाती है। स्कूल कितने बजे की? सर 10 बजे की। मैडम बोलती है कि 10 बजे आएगा, ठीक है, खुद 11 बजे आती है। सर कभी कभी 10 बजे आ जाती जल्दी। अच्छा सर, क्या नाम? क्या नाम है बेटा? गायत्री है। गायत्री। गायत्री नाम। कहाँ की हो आप? पनियारा। पनियारा। ये कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम क्या है? हाई स्कूल। हाई स्कूल। कितने बजे से है आप लोगों के स्कूल? 10 बजे। 10 बजे से। कितनी बजे आती है मैडम? 10:30। कितने बज गए? अभी कितने बज गए? 11:11। मैडम नहीं आई? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी आप लोग को पढ़ाने। हरिशंकर साहू अंशकालीन भरत हाई स्कूल है, चपरासी हैं, भरत हैं। कितने बजे स्कूल खुलते हैं? हम 9:30 पे ज़्यादा जब क्लास है झाड़ पाओ। 9:30 पे। कितने बजे की स्कूल है? 10:30। 10:30। मैडम आज कितने बजे आए? आज मैडम 10:45 पे हैं। नहीं 11 बजे आई हैं। नहीं 11:45। घड़ी देख ली थी हमने, देख ली 5 मिनट कम आया, 10 मिनट कम आते 11 में। कहूँ लेट लसीब हो जाए गाड़ी, अब उसे ट्रैफिक में फंस जाते, अब आउट वे ही रक्षा से हैं, अब आप टीके मरा से आना है उनको। तो कितने किलोमीटर है यहाँ से? 6 किलोमीटर। तो ज़्यादा टाइम लगता है क्या आने में? अब ये रक्षा तो कोई ट्रैफिक नहीं रहता। ट्रैफिक तो भैया मिला नहीं रहता है, ट्रैफिक रहता नहीं रहता। कहना है कि 10:30 से स्कूल है, मैडम डेली ऐसे ही आती हैं। 10:30 देखो, 10:30 से 11 के बीच में सब स्टाफ आ जाते हैं। 10:30 बजे के स्कूल है तो 10:30 बजे आना चाहिए मैम। तो कठी जाना 10:30 पे आ जाते हैं। प्राचार्य कौन है आपके? हमारे जैन साहब हैं, आर की जैन। आर की जैन। तो मैडम तो आज 11 बजे आई, आप खुद देख रहे हैं, मैं भी देखने वाला, 10 मिनट कम से 11 बजे हैं। और बच्चों का कहना है कि डेली मैडम इसी तरीके से आती हैं, और कई बार शिकायत भी मिली हमें, जब शिकायत ज़्यादा मिलने के बाद फ़ोन आया, तभी मैं आया हूँ स्कूल में, आप खुद देख रहे होंगे। देख रहे। कितने बजे आई मैम खुद बताइए आप? 10 मिनट कम से 11 में। तो डेली ऐसी आती हैं, बच्चों को कहना तो है डेली ऐसी आती हैं। आज देखिए आप, बच्चों ने प्रार्थना जो की है आज अकेली की है प्रार्थना, बताइए आप। तो नहीं बच्चों को तो कहना है कि डेली हम करते अकेले, आप कराते जैसे पहले, तो हम ही हैं। बच्चों को कहना तो यही है कि डेली हम कराते हैं। स्कूल की प्रेयर आपको करानी चाहिए कि मैडम को कराना चाहिए? टीचर भी आ जा संगे, अब नहीं आप कहूँ लेट थी तो हम करा लेते, क्लासें लगा लेते। आपको करानी चाहिए कि टीचर को करानी चाहिए? टीचर को कराना चाहिए। आपका काम स्कूल में क्या है? सब साफ सफाई करना है ना, बच्चों को शिक्षा देना। क्या तो क्या हम प्रॉपर लोकल के प्रजा तो इसे सब जान से पूछ रहे हैं कि टीचर ये सब चीज़ें कराएगा कि आप कराओगे? टीचर भी कराएंगे, टीचर ही कराएंगे ना, आप तो नहीं कराओगे ना? प्रेयर आप कराओगे या ना बच्चों को आप पढ़ाओगे? आपका मैनेजमेंट है जी, है ना। कैमरामैन शुभम श्रीवास्तव के साथ संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव 18।